बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीएससीए टीवी के साथ मैं हूं आजिल हसनात। नाज़रीन, बेदारी फाउंडेशन के सोशल एक्टिविस्ट पर मुश्तमिल एक वफ्द ने पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा किया है। आइए जानते हैं उनका दौरा कितना इन्फॉर्मेटिव रहा। क्या समझती हैं पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने जो ख्वातीन के लिए इनिशिएटिव लिया है वुमेन सेफ्टी ऐप की सूरत में, क्या समझती हैं कि आज की ख्वातीन खुद को कितना ज़्यादा महफूज तसव्वुर कर सकती हैं? बहुत ज़्यादा महफूज तसव्वुर कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और ये सब देख के सेटअप को। इससे पहले पुलिस के बारे में एक इमेज बना हुआ है ख्वातीन का भी, कि वैसे भी जब आप किसी हेल्पलाइन पर ख्वातीन के लिए जो बनाई गई हैं उन पर फ़ोन करें तो ख्वातीन के मसाइल को सुना नहीं जाता उतना प्रॉपरली, लेकिन ये जो ऐप बनी इसके बाद तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सेफ है। और जैसा कि एटमोसफियर मैंने अभी देखा और सारा सेटअप देखा तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही तनदेही से काम को किया जा रहा है, और अगर सपोज 100% नहीं भी होगा तो 70-80% तो कम से कम ख्वातीन अपने आप को महफूज समझ रही हैं। अब शायद इसमें आगे बेहतरी आ जाए मुस्तकबिल में जाके कहीं। आज आपने पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का विजिट किया है, आपको डिफरेंट यूनिट्स के बारे में उनकी वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी गई है, क्या समझती हैं क्या कितना इन्फॉर्मेटिव था आप आज का आपका विजिट? मैं वक्त तलाश कर रही थी कि मैं किसी तरीके से सेफ सिटी खुद भी विजिट करूँ और अपने साथ जो है पंजाब भर से और ख्वातीन को भी लेके आऊँ। तो आज मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ सेफ सिटी अथॉरिटी की कि इन्होंने मौका दिया। मेरे साथ 6 डिस्ट्रिक्ट की ख्वातीन थी जिन्होंने सेफ सिटी को विज़िट किया, और हमें मतलब शौक लगा कि क्या पाकिस्तान में भी इस तरह का सारा निज़ाम है जो हम फिल्मों में, कहानियों में या मूवीज़ पे देख रहे होते हैं। इसके साथ साथ मेरा मतलब अपना ये ख्याल है और मैं ये मतलब देख रही हूँ बिना पाकिस्तानी के, अल्लाह करे ऐसा निज़ाम हमारे हर शहर में हो। और इतना ही मतलब सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई कि बहुत यंगस्टर और यंग बच्चे बैठे हुए, यंग बच्चियां बैठी हुई इसको ऑपरेट कर रही हैं और बहुत टेक्निकल अप्रोच के साथ इसको लेके चल रहे हैं। कभी एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पे आपने कॉल की हो, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ज़बरदस्त रहा। ऐसे ही कि हमारे घर के सामने सांप आ गया बारिश के दौरान, तो हमने 15 पे और 112 पे भी कॉल की और वो दोनों आ गए, और ऐसे कि वो 2 घंटे से बाहर थे वो लोग, तो ऐसे ही वो हमने जैसे ही कॉल की वो 10 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा वो आ गए और ऐसे ही सांप मार के और 5 मिनट में वो चले भी गए। और हमने बड़ा अच्छा फील किया कि हमारी एक कॉल पे ये फ़ौरन आए और हमारी जो परेशानी थी वो दूर हुई। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी आकर कैसा महसूस कर रही हैं? मेरा ये सेकेंड विज़िट है और मैं बहुत एक्साइटेड थी उसके बावजूद कि मेरा ये सेकेंड विज़िट था। एक तो ये जो हमारी गाड़ी स्कैनिंग होती है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो मैं तो चाहती हूँ हर अदारे में इसी तरह की स्कैनिंग इसकी होनी चाहिए। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का इनिशिएटिव है कि लाहौर के शहर जो है वहाँ पे ट्रैफिक वायलेशन करने वालों को ई चालान भेजे जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस इनिशिएटिव पर? जी, ई चालान जो भेजे जा रहे हैं वो मेरे ख्याल से तो बड़े अच्छे हैं, ताकि वो लोगों को अवेयरनेस आती है कि हम रोड पर सही तरीके से चलें, इशारों की पाबंदियाँ करें, इससे एक्सीडेंट ना हो, तो होना चाहिए। लाहौर शहर को हज़ारों कैमरों की मदद से जो है वो सिक्योर किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्या समझती हैं आज का लाहौर पहले के लाहौर की नस्बत कितना ज़्यादा महफूज है? पहले के बनस्बत अब का लाहौर जनसा बहुत खूबसूरत हो गया, और यहाँ पे आके जो हमने देखा जो पुलिस का एक हमारे अंदर खौफ था वो दूर हो गया, और यहाँ के आके नौजवानों को देख के, अपने बड़े अहदेदारों को देख के ये एहसास हुआ कि अब हम सेफ हाथों में जा रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा।